हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर मेमोरी का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि किस तरह से सेमीकंडक्टर मेमोरीज बनती है, और उसी टॉपिक को आगे लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन। अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर मेमोरीज होते हैं, okay, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। तो आज हम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्किटेक्चरल डिजाइन सेमीकंडक्टर मेमोरी को क्लासिफाई करने वाले हैं। मेनली सेमीकंडक्टर मेमोरीज को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन दैट इज रोम, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, क्योंकि आप जब मोबाइल परचेस करने जाते हैं, कंप्यूटर परचेस करने जाते हैं या लैपटॉप परचेस करने जाते हैं, तो आप इसके बारे में जरूर पूछते होंगे। ओके, तो एक है रॉम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली। सेकेंड टाइप है जिसका नाम है रैम, जिसके बारे में भी आपको पता होगा, जितनी आपके मोबाइल में रैम ज्यादा होती है उतनी ही इसकी स्पीड ज्यादा मिलती है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड वन है जिसका नाम है कैम, जिसका फुल फॉर्म है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। एंड लास्ट वन है दैट इज सिक्वेंशियल मेमोरी। ओके, तो मेनली हमने जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज थी उसे फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सभी के बारे में हम इंडिविजुअल एक एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रैम का फंक्शन क्या है, कैम का फंक्शन क्या है, रोम का फंक्शन क्या है, कहाँ पे यूज होती है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो रोम होती है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रोम होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होगा? जब भी पावर कट होगा, पावर ऑफ होगा, तो इसमें जो डेटा हमने सेव किया है वो परमानेंटली सेव रहेगा। जब भी पावर ऑफ होगी तो इसमें से डेटा इरेज नहीं होगा। ओके, इसी वजह से इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। तो ये फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रोम है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसीलिए इसे स्टोरेज के फॉर्म में यूज किया जाता है। जो भी डेटा आपको स्टोर करना है वो रोम में स्टोर होता है। जबकि रैम में हमने डिस्कस किया था कि रैम एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होगा कि जब भी इस पावर कट होगा रैम में जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा। जब फिर से पावर ऑन होगा तो इसमें जो भी डेटा था वो इरेज हो गया होगा और रिफ्रेश हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रोम है। इस रोम में हम सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई डेटा राइट कर सकते नहीं है। यानी कि अगर हमें कोई डेटा इसमें प्रोग्राम या जो इसमें इनबिल्ट प्रोग्राम है इसे इरेज करके दूसरा प्रोग्राम ऐड करना है तो इसे हम इरेज नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी कि इसमें जो प्री प्रोग्राम्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा जो भी प्री प्रोग्राम्ड डिवाइस दिया गया है उसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें राइट प्रोसेस नहीं हो सकती है, इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास रैम है उसमें हम रीड भी कर सकते हैं और हमारी जरूरत के हिसाब से राइट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें इसमें जो डेटा दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा, इसको अगर हमें इरेज करके फिर से प्रोग्राम करना है, फिर से राइट करवाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसी वजह से इसे बोला जाता है रीड राइट मेमोरी। ओके, क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी है तो जब भी पावर कट होगा तो रैम में जो भी डेटा स्टोर किया होगा और राइट करवाया होगा वो इरेज हो जाएगा। ओके, इसीलिए ये जो रैम है इसमें आपको स्पीड ज्यादा मिलती है और इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक तरह की रीड राइट मेमोरी है। ओके, अगर आप रैम 4GB परचेस करने जाओगे तो आपको अराउंड 1000 और 1500 रुपीस पे करने पड़ेंगे। जबकि अगर आप रोम या पेनड्राइव 4GB की परचेस करने जाओगे या 4GB का मेमोरी कार्ड परचेस करने जाओगे तो आपको 200 रुपीस में मिल जाता है, क्योंकि ये एक तरह की सिर्फ रीड मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। ओके, तो ये जो रैम है इसे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग सब टॉपिक्स में। ओके, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ये रीड ओनली मेमोरी है और रोम है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है उसे बोला जाता है पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रोम। ओके, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे अगर आपको एक ब्लैंक मेमोरी चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आपको इसे प्रोग्राम करना है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो डिवाइस आता है, मेमोरी डिवाइस आता है, उसे यूजर अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकता है, इसी वजह से इसे बोला जाता है पी रोम। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन है दैट इज ईपीरोम।
EPROM का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे जो PROM है इसे यूजर एक बार प्रोग्राम कर सकता है, फिर उसे फिर से इरेज करके प्रोग्राम नहीं कर सकता, ओके? इसीलिए इसे सिर्फ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। सिंगल टाइम प्रोग्राम कर सकते हो, फिर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जबकि EPROM में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि एक बार यूजर प्रोग्राम कर सकता है और अगर यूजर की रिक्वायरमेंट है और उसे वो चेंज करना चाहता है तो इरेज करके फिर से रीप्रोग्राम कर सकता है। इसी वजह से इसे बोला जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार ब्लैंक मेमोरी डिवाइस आप परचेस करते हो, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे प्रोग्राम करते हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और अगर आपको उसे फिर से रीप्रोग्राम करना है तो आप पुराना डेटा है उसे इरेज करके फिर से प्रोग्राम कर सकते हो। इसी वजह से इसे बोला जाता है EPROM। ओके, नेक्स्ट वन है डबल EPROM। EPROM का फुल फॉर्म था Erasable Programmable Read Only Memory। Double EPROM का फुल फॉर्म है Electrically Erasable Programmable Read Only Memory। फिर से बता देता हूँ, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory। तो यहाँ पे Electrically Erase होता है, तो पिछले EPROM में किस तरह से Erase होता होगा, यहाँ पे Erase होता है Ultraviolet Signal से। ओके, तो यहाँ पे आपको जब मैं इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि किस तरह से EPROM वर्क करता है और इसमें किस तरह से डेटा इरेज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली डेटा इरेज होता है क्योंकि EEPROM में जो डेटा सेव होता है वो चार्ज के फॉर्म में होता है, यानी कि अगर आपको इसका डेटा इरेज करना है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को रिमूव करना पड़ेगा और इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में भी हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है रोम का, वो है फ्लैश रोम। ओके, ये जो फ्लैश रोम होती है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसे फ्लैश रोम बोला जाता है। और लास्ट टाइप है, इसे बोला जाता है मास्क रोम। ओके, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे रीड ओनली मेमोरी को डिटेल में, उसमें हम सभी टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइप देखा था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन फ्लैश मेमोरी एंड मास्क मेमोरी। तो इसी तरीके से हम रैम को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रैम होते हैं, तो उसमें फर्स्ट टाइप है स्टेटिक रैम एंड सेकंड वन दैट इज डायनेमिक रैम। यहाँ पे जो रैम होती है इसमें दो तरह के हमारे पास टाइप है, जिसमें फर्स्ट है स्टेटिक रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड वन दैट इज डायनेमिक रैम दैट इज रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों टाइप में सिर्फ जो डेटा स्टोर करने की प्रोसेस है उसी में डिफरेंस है। ओके, जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है उसी पे ये दोनों टाइप डिपेंडेंट है, स्टेटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टेटिक रैम होती है और डायनेमिक रैम होती है इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों वॉलेटाइल मेमोरी है और दोनों रीड राइट मेमोरी है। ओके, नेक्स्ट वन है दैट इज कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ये जो मेमोरी है वो बहुत ही कम स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। ओके, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो इस तरह से होता है, ये जो कैम मेमोरी है इसमें इस तरह का डेटा ऐड किया जाता है, स्टोर किया जाता है जो मल्टीपल जगह से एक साथ पैरेलली एक्सेस होता है। ओके, और इस तरह का डेटा यूज कहाँ पे होता है, जैसे कि बैंक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास कोई एक मेमोरी डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कैम मेमोरी है। ओके, कैम मेमोरी में क्या होता है, जो भी यहाँ पे डेटा स्टोर होता है वो इस तरह का डेटा होता है कि मल्टीपल जगह से एक साथ एक्सेस होता होगा। ओके, तो ऐसी जगह कहाँ पे होती है, फॉर एग्जाम्पल बैंक है, जिसमें आपका जो भी अकाउंट नंबर है इसके हिसाब से आपका पूरा डिटेल निकल के आता है। ओके, जब भी आप अकाउंट नंबर ऐड करते हो तो आपकी पूरी बैंक स्टेटमेंट दिखाता है। ओके, तो इस तरह के जो मेमोरी डिवाइस होते हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर
इंडिकेशन दिया है या फॉर एग्जांपल नेम दिया है और आइडेंटिफायर दिया गया है कि जब भी ये आइडेंटिफायर आता है तो इसके हिसाब से पूरा डिटेल निकल के आना चाहिए। तो इसके लिए कैम मेमोरी यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल आप जब बैंक में जाते हो तो बैंक में क्या होता है, आपका अकाउंट नंबर जब ऐड किया जाता है तो पूरा आपका बैंक स्टेटमेंट निकलता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नंबर 1 है, यहाँ पे अकाउंट नंबर 2 है, ओके अकाउंट नंबर 3 है, अकाउंट नंबर 4 है, इसी तरीके से यहाँ पे अकाउंट नंबर 5 है। तो यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर आप ऐड करोगे इसके हिसाब से यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट निकलेगा। ओके तो ये अकाउंट नंबर क्या हुआ, अकाउंट नंबर हुआ एक आइडेंटिफायर। जब भी ये आइडेंटिफायर आता है तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो भी बैंक स्टेटमेंट है या बैंक की डिटेल है वो इसके हिसाब से निकलती है। तो यहाँ पे जो मेमोरी में कंटेंट है उस मेमोरी के कंटेंट के साथ एक आइडेंटिफायर या कोई एक नाम लगा रहता है जिसके हिसाब से पूरी मेमोरी को रीड किया जाता है। ओके और ये जो अकाउंट नंबर है इसका पूरा बैंक स्टेटमेंट या जो भी रिक्वायरमेंट है वो बैंक की डिटेल यहाँ से आपको मिल सकती है। तो इस तरह के जो मेमोरी डिवाइस होते हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर या नाम होता है जिसके हिसाब से यहाँ पे पूरा मेमोरी रीड होता है, तो इस तरह के मेमोरी को बोला जाता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। यहाँ पे जो मेमोरी होती है दैट मेमोरी इज एक्सेस्ड साइमल्टेनियसली एंड इन पैरेलल ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कंटेंट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेमोरी रीड करके देगी। ओके तो ये हो गया कैम। और लास्ट है सिक्वेंशियल मेमोरी। जो भी डेटा आपको यहाँ पे रीड करना है वो कोई एक पर्टिकुलर सीरीज या पैरेलल फॉर्म में डेटा रीड या राइट होता है, तो इसे बोला जाता है सिक्वेंशियल मेमोरी, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस लगा रहता है और इसमें आप एक सिंगल बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे जो सिक्वेंशियल मेमोरी है इसमें कोई एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में डेटा ऊपर से नीचे तक राइट होता है और ऊपर से नीचे तक रीड होता है, और इसी सिक्वेंस में आपको अगर इरेज करना हो तो इरेज भी हो सकता है। ये हुआ पैरेलल, या फिर इस तरह से अगर आपको रीड करवाना है तो ये होगा सीरीज। ओके जिसमें डेटा वन बाय वन लोकेशन से रीड या राइट होता है। तो ये जो सिक्वेंशियल मेमोरी है इसमें इस तरह से एक पैरेलल और सीरीज फॉर्म में ही डेटा रीड राइट होता है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। ये एक इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है, ये एक तरह का रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। तो इस तरह के जो मेमोरी डिवाइस होते हैं इसे बोला जाता है सीक्वेंशियल मेमोरी। ओके तो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में एक एक मेमोरी डिवाइस पे डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन।